और चलिए खबरें अब विस्तार से। 24 जून को हुए आनंदपाल एनकाउंटर के 24 दिन बाद आखिर इस पूरे घटनाक्रम का पटा छेप हो गया है। आनंदपाल के इस मामले में सीबीआई जांच के बाद आखिर अब समाज और परिवार के लोगों ने अपने आंदोलन वापस ले लिया है, लेकिन अब पुलिस ने अपना एक्शन प्लान जाहिर किया है। तो 12 जुलाई को सावराद में हुई हिंसा में शामिल हुए लोगों की पकड़ के लिए अब 5 जिलों की पुलिस ने हाथ मिलाया है और आज से बड़ा गिरफ्तारी अभियान शुरू किया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। सीबीआई जांच के बाद अब पुलिस का एक्शन प्लान, आज से चलेगा बड़ा गिरफ्तारी अभियान। सावराद उपद्रव में अब तक 120 गिरफ्तार, 12,000 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज, 22 अलग अलग धाराओं में पुलिस कसेगी शिकंजा। 4 जून को हुए आनंदपाल एनकाउंटर के 24 दिन बाद आखिर पूरे घटनाक्रम का पटा छेप हो गया है। आनंदपाल के मामले में सीबीआई जांच के बाद आखिर अब समाज और परिवार के लोगों ने अपने आंदोलन वापस ले लिए हैं, लेकिन अब पुलिस ने अपना एक्शन प्लान जाहिर किया है। 12 जुलाई को सावराद में हुई हिंसा में शामिल हुए लोगों की पकड़ के लिए अब 5 जिलों की पुलिस ने हाथ मिलाया है। आज से बड़ा गिरफ्तारी अभियान शुरू किया जा रहा है। 12,000 से भी ज्यादा पर केस दर्ज, अभी तक 120 अरेस्ट। सावराद में हुई हिंसा के बाद 6 दिन बीतने पर अभी तक पुलिस सिर्फ 120 लोगों को ही अरेस्ट कर सकी है। इनमें कुछ स्थानीय नेता भी शामिल हैं। एफआईआर में 12,000 से भी ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। पुलिस ने 2 दिन पहले जिन लोगों और नेताओं को पकड़ा उनसे पूछताछ के आधार पर ही 1,000 से भी ज्यादा लोगों की सूची बनाई। इस सूची के आधार पर ही 2 दिन में 70 से ज्यादा को अरेस्ट कर लिया गया। 2 दिन पहले तक पुलिस ने सिर्फ 50 लोगों को ही अरेस्ट किया था। चूरू, सीकर, नागौर, जोधपुर, बीकानेर में पुलिस का एक्शन प्लान। नागौर पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया उनसे पूछताछ के आधार पर पुलिस अब 5 जिलों में बड़ी संख्या में गिरफ्तारी अभियान चलाने की तैयारी कर रही है। पुलिस ने चूरू, सीकर, नागौर, जोधपुर और बीकानेर में टीमों का गठन किया है और इन टीमों में लगे पुलिस कर्मियों को अन्य कामों से हटाकर सिर्फ इसी अभियान में जोड़ा गया है। पुलिस के इस एक्शन प्लान की पूरी मॉनिटरिंग अजमेर रेंज आईजी मालिनी अग्रवाल कर रहे हैं। एफआईआर में 22 अलग अलग धाराएं, एक बार पकड़ में आए तो 8 साल तक की जेल। सावराद में हुई हिंसा के बाद नागौर पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज कराई उसमें प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अलग अलग सेक्शन में मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने उपद्रवियों और प्रदर्शनकारियों पर 22 धाराओं में मामले दर्ज किए। इन धाराओं में जानलेवा हमला करना, लूट और रेलवे की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की धाराओं में ही 7 से 8 साल तक की सजा संभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।